हेलो एस्पिरेंट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी वन लाइनर सीरीज के अंडर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑन रिवर बैंक्स ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, यानी वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी नदी के तट पे कौन कौन से सिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट वाइज रिवर्स पढ़ेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी रिवर है जो सबसे लंबी है। ठीक है ना, काफी शॉर्ट वीडियो होगी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वियना ऑस्ट्रिया, तो मैप पे भी लोकेट करते रहें कि एक्चुअल में ये लोकेटेड कहाँ पे है। ऐसे याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको मैप के थ्रू पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी को, तभी आपको याद रहेगी। ठीक है ना, बार बार सेम चीज रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि आपको मैप से ही ज्योग्राफी पढ़नी है। चलिए, फर्स्ट आता है वियना, ऑस्ट्रिया में है, डेन्यूब रिवर के बैंक पे के तट पे लोकेटेड है। क्यूबेक है कैनेडा में, सेंट लॉरेंस के तट पे लोकेटेड है। वॉर्सॉ पोलैंड में है, विस्टूला के तट पे है। हैम्बर्ग जर्मनी एल्ब के तट पे है। बगदाद इराक में है, टिग्रिस नदी के तट पे लोकेटेड है। देखिए बहुत कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने वाला है, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनते रहे जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो लिखा नहीं होता बट बोल देती हूँ, है ना, एकदम से दिमाग में कोई चीज स्ट्राइक करती है, तो आप सुनते रहिए मैं क्या बोल रही हूँ, साथ साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। रोम है इटली में, टाइबर नदी के तट पे है। न्यूयॉर्क यूएसए, हडसन लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पे। कराची पाकिस्तान में है, इंडस सिंधु नदी जिसको बोलते हैं उसके तट पे। पेरिस फैशन सिटी फ्रांस, सीन नदी के तट पे। लंदन इंग्लैंड, थेम्स नदी के तट पे। मॉस्को रशिया, मॉस्कवा नदी के तट पे। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है यूएसए की, पोटोमैक के तट पे। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, यहाँ पे बहुत सारी हम मीटिंग्स पढ़ते हैं ना, तो ये रियो डी ला प्लाटा नदी के तट पे है। बर्लिन जर्मनी में है, स्प्री एंड हेवल नदी के तट पे। बुडापेस्ट है हंगरी में, डेन्यूब नदी के तट पे। हमने डेन्यूब में एक और पढ़ा था, वियना ऑस्ट्रिया एंड बुडापेस्ट हंगरी, दोनों ही डेन्यूब नदी के तट पे हैं। शंघाई चाइना, यांगत्से सिडनी ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग नदी के तट पे। दिल्ली इंडिया, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जो फ्लड्स आए थे और जो वीडियोस वायरल हुई हैं आपके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर जगह आपने देख लिया होगा, यमुना नदी का स्तर बढ़ चुका है, ये न्यूज आ रही थी ना। चलिए, यमुना नदी के तट पे है दिल्ली। सियोल साउथ कोरिया, हान नदी के तट पे। अल कैरो इजिप्ट, नाइल नदी के तट पे। तो क्वेश्चन आपको उल्टा भी आ सकता है कि बताइए सीन नदी के तट पे कौन सी सिटी है, तो वो है पेरिस विच इज लोकेटेड इन फ्रांस। अब आती है कॉन्टिनेंट वाइज रिवर्स की, हर एक कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर जो है लॉन्गेस्ट है, इस तरह करके। ठीक है, यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कॉन्टिनेंट वाइज रिवर्स हम पढ़ रही हैं, तो अफ्रीका के सबसे लंबी नदी जो है वो है नाइल रिवर, नील नदी। यहाँ पे कितने किलोमीटर लेंथ है आप देख सकते हैं। अब देखिए प्लीज ये कमेंट्स मत कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मैम 6690 नहीं है 6800 है, कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो भाई मैंने एक सोर्स रेफर किया है, आप अलग अलग सोर्सेज में जाएंगे आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, तो आपको किसी एक के साथ रिलाई करना है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे इस नदी की लेंथ कितनी है, लेंथ वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि वो अनसर्टन होता है। ठीक है ना, चलिए अफ्रीका है नाइल रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की। ठीक है, एशिया यांगत्से रिवर, अभी हमने पढ़ा चाइना शंघाई इसके तट पे है। ऑस्ट्रेलिया मुरे डार्लिंग रिवर, ये दो नदियां हैं तो ये एकदम से मिल जाती है तो इन्हें मुरे डार्लिंग बोलते हैं। यूरोप जो है हमारा वोल्गा नदी के तट पे है। नॉर्थ अमेरिका मिसिसिपी मिसूरी के तट पे है। साउथ अमेरिका अमेजोन रिवर के तट पे है। ठीक है ना, चलिए छोटा सा वीडियो था, हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने वीडियो के साथ में नोट्स बनाए हैं, काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। हम क्या करते हैं ना, इस तरह के टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं कि यहां से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, आएगा भी तो एक ही आएगा। देखिए हम जो रॉक्स पढ़ते हैं, माउंटेन्स पढ़ते हैं, वोल्केनोस पढ़ते हैं, अर्थक्वेक सुनामी साइक्लोन टाइड्स, इन सबसे भी एक ही क्वेश्चन आता है, पर हम उसके लिए कितने सारे टॉपिक्स इन डेप्थ पढ़ते हैं, तो ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो एकदम से हमारा नंबर बन जाता है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो देट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो देट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।